मंदिर और निधिवन से निकलकर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको ये। चलिए पूरा प्रेम मंदिर घूमने की कोशिश करेंगे और दिखाने की, जो भी दिखा पाऊँगी मैं आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। जहाँ पे अलाउड नहीं होगा कैमरा वहाँ पे तो मैं नहीं दिखा सकती, तो काफ़ी जगह पे यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। बहुत प्यारा मंदिर है ये। तो इस मंदिर में आई थिंक कृष्ण जी के हर रूप को दर्शाया गया है और बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। तो अभी मैं यहाँ एंट्रेंस पे हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि शेषनाग के ऊपर जो कृष्ण जी ने नृत्य किया था उसको मूर्ति के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है और उसमें कुछ वाटर फाउंटेन वगैरह लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ कृष्ण जी का बचपन भी है और साथ ही कृष्ण जी जब राधा रानी के साथ झूला वगैरह झूल रहे थे तो वो भी है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं शेषनाग के ऊपर जो नृत्य किया था कृष्ण जी ने, और चारों तरफ देवी देवताएं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करें। तो इसको पूरी के पूरे मूर्ति के फॉर्म में दिखाया गया है। और ये देखिए नीव बहुत इंजॉय कर रहा था क्योंकि ये बहुत कुछ नया देखने को उसको मिल रहा था। और वैसे भी वो जितने भी भगवान हैं, कृष्ण भगवान और दुर्गा माता, तो इन सबसे वो बहुत प्रेरित हो गया है वो कार्टून वगैरह में देखकर। तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे कृष्ण जी का बचपन वगैरह देखकर। और ये देखिए यहाँ पे गोपियाँ हैं, सारी की सारी गोपियाँ बैठी हैं, राधा रानी हैं कृष्ण जी के साथ। इस तरह से बहुत ही अच्छे मूर्ति वगैरह बनाया गया है और बहुत ही कलरफुल है और मंदिर बहुत सुंदर है। बहुत प्यारी नक्काशी की गई है मंदिर में और बहुत बड़ा भी है। तो इस मंदिर में जो कृष्ण जी का बचपन है, जितने दिन उन्होंने मथुरा में गुजारे थे और जो मुख्य घटनाएं हुई हैं उसको इस मंदिर में एक साथ दिखाया गया है। तो हर जगह पे छोटे छोटे मूर्ति और छोटा छोटा सा स्कल्पचर्स बनाकर उस पूरी की पूरी घटना को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे शेषनाग और कृष्ण जी का जो नृत्य हुआ था, कृष्ण जी जो नृत्य कर रहे थे। तो ये देखिए ये वही है, यहाँ पे पूरा मथुरा वासी यहाँ पे है और यहाँ पे थोड़ा सा वाटरफॉल भी बना दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। इसका जो एंट्रेंस है वो बैक साइड से है, फ्रंट में नहीं है। तो इसकी हम पूरी परिक्रमा करेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर सी नक्काशी की गई है मंदिर में। बहुत सुंदर लग रहा है बेटा। तो ये देखिए दादी जी को व्हीलचेयर में बिठाकर हम घुमा रहे हैं, वो चल नहीं पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, उनके पैरों में प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ अच्छा था मैंने देखा मथुरा में कि हर जगह हमें व्हीलचेयर मिल गया था, निधिवन में भी मिल गया था और यहाँ प्रेम मंदिर में भी। तो ये एक अच्छी सुविधा है, तो इस तरह से कोई भी आकर यहाँ पर घूम सकता है, जो नहीं भी चल पा रहे वो भी घूम सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर गार्डन भी है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छे डिज़ाइन में कटिंग की गई है, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जितने भी गायें हैं, जब कृष्ण जी गाय चराने जाते थे तो उसका यहाँ पे दृश्य है, पेड़ के नीचे कृष्ण और राधा बांसुरी बजाते हुए हैं। और ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स है, बहुत ही सुंदर से कटिंग के डिज़ाइन में यहाँ पर लगा हुआ है। तो मुझे तो
बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर कृष्ण जी गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और ये देखिए अब जो सामने देख रहे हैं, ये गोवर्धन पर्वत है जिसको कृष्ण जी ने अपने कानी उंगली से उठाया था और इसके ऊपर वाटरफॉल जैसा बना दिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए हम बैक साइड आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत मार्बल लगाकर यहाँ पे बनाया गया है मंदिर को। बहुत शांति थी, इतनी भीड़ तो थी पर यहाँ पे एक अलग सी शांति थी मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं सिर्फ एंट्रेंस तक ही आपको दिखा पाऊँगी, अंदर का सीन मैं नहीं दिखा पाऊँगी। अंदर भी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, बहुत ही प्यारे प्यारे झूमर वगैरह थे। तो आप जब भी जाएं मथुरा प्रेम मंदिर ज़रूर जाएं। ये अभी नया ही बना है, कुछ ही साल हुए हैं इसको बने हुए, और बोलते हैं कि यहाँ पे रात में जो लाइटिंग होती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो हम शाम में ही निकल गए थे, लाइटिंग हमने नहीं देखी है, लेकिन अगर मुझे कहीं से कोई पिक्चर या कुछ मिलेगी तो मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए हम अब आ गए हैं मंदिर से निकलकर बाहर गोवर्धन पर्वत की ओर। और निकलते हुए यहाँ पे और भी सुंदर दृश्य देखने को मिला। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से राधा रानी और कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं वन के बीच में, और चारों तरफ सुंदर सुंदर जो जानवर होते हैं, हिरन मोर, ये सब अगल बगल नाच रहे हैं, गोपियाँ डांस कर रही हैं। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए मैं भी आपको दिखाऊँगी पास से। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये झूला हिल रहा है, इसमें ज़रूर मोटर वगैरह कुछ लगा हुआ है तो वो अपना हिलता रहता है, मैनुअल नहीं है ये, ऑटोमेटिक है। ओवरऑल ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और कृष्ण जी की पूरी बचपन, पूरा जो भी उन्होंने मथुरा में जो दिन गुजारे हैं वो है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।